हे वेलकम गाइस, मैं हूं नवनीत कुमार। और दोस्तों, बहुत ही समय के बाद वैसे हम मिल रहे हैं। ऑलमोस्ट अगर कहा जाए तो 20 से 25 दिन लगभग हो चुके हैं वीडियोस को दोबारा अपलोड किए हुए। लेकिन दोस्तों, आपको विश्वास दिलाता हूं कि दोस्तों अब बिल्कुल भी जो है वीडियोस गैप नहीं होंगे, आपको रेगुलर वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। और आज के लिए दोस्तों, स्टार्टिंग बहुत दिनों के गैप के बाद आए हैं, तो दोस्तों आपके लिए एक स्पेशल सरप्राइज है बिल्कुल वीडियो के बीचों बीच में, कभी भी मैं आपको दे सकता हूं और आपके लिए। लेकिन उससे भी पहले दोस्तों, आपको कुछ गुड न्यूज़ है जो आप लोगों को मैं देना चाहता हूं। जैसा कि आप लोगों को दोस्तों आज पता है कि आज टेलीकॉम सेक्टर में जब से स्टार्ट हुआ है इंटरनेट, यानी कि 2G 3G 4G जो अभी हम करंटली में अभी हम यूज़ कर रहे हैं, तो क्या आप सोच सकते हैं कि 4G से भी अभी ऊपर कुछ हो सकता है? और आपने हो सकता है कि नाम भी सुना हो। वही दोस्तों, एयरटेल ने हुआई जो चाइनीज कंपनी है उनके साथ मिलकर के इंडिया में टेस्टिंग कर ली है 5G की, वो भी बिल्कुल सक्सेसफुली, जिनकी स्पीड है 1 सेकंड के अंदर 3G की। आप सोच सकते हैं कि 3G केवल मात्र 1 सेकंड के अंदर स्पीड है, तो क्या हो सकता है इसका। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि जब से हम 2G 3G, या अगर आप कहें आज हम 4G ही इवन यूज़ कर रहे हैं, यानी कि 4G को अगर इंट्रोड्यूस अगर सही तरीके से अगर करवाया किसी ने, तो आज कहीं ना कहीं जियो की बदौलत ही है। लेकिन एक चीज़ जो आप सभी लोगों को पता हो कि जब भी जियो ने स्टार्टिंग की थी, तो हमने देखा था 45 Mbps तक की जहाँ पर स्पीड आया करती थी। लेकिन अगर आज बात करें जियो की भी, तो स्पीड आप सभी लोगों को पता है जो लोग यूज़ कर रहे हैं, एज़ कम्पेयर टू द अदर नेटवर्क आपको जियो का स्पीड थोड़ा बहुत ठीक मिलेगा। लेकिन उनका भी नेटवर्क जो स्पीड जो उनकी शुरुआत में आया करती थी, जो वो कहते थे जी 4G स्पेक्ट्रम में जो स्पीड आखिर होनी चाहिए, वो स्पीड आपको बिल्कुल भी अभी भी नहीं मिल रही है। तो दोस्तों, आखिर ये क्या है 2G 3G 4G? हम 3G भी इवन हम बताया, आपने सुना होगा स्पेक्ट्रम का बहुत बड़ा घोटाला हुआ था एक समय में जो टेलीकॉम सेक्टर में, लेकिन आज भी वही चीज़ होने लग रही है। यानी कि आज हम पैसे देते हैं 4G या 3G जो भी हम नेटवर्क अभी यूज़ कर रहे हैं, वो हम देते हैं फुल्ली 4G के लिए, तो लेकिन हमें उस सेटिस्फाइड में जो भी स्पीड नहीं मिलता। इवन मैं भी अभी यूज़ कर रहा हूँ एक नेटवर्क, यानी कि टिकोना मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉमिस करते हैं, हम 10 Mbps की स्पीड देते हैं, लेकिन रियली बता रहा हूँ अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ 1 से 1.5 Mbps, वो भी बड़ी मुश्किल से। अपलोडिंग स्पीड तो आप पूछो ही मत, यानी कि 3-3 दिन में जाकर के एक वीडियोस जो है वो अपलोड होते हैं, वो अभी ये हालत है। तो दोस्तों, नेटवर्क जो आज बात करके चले कि स्पीड के मामले में, तो सबसे जो आज इंडिया है वो पीछे है। बेशक चाहे आज आप लोगों को आज कह सके कि 5G नेटवर्क आने वाला है, एयरटेल ने लॉन्च कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन हकीकत में जो पैसे हमसे लिए जाते हैं वो दोस्तों हमें नहीं मिलता है। और इस बारे में दोस्तों क्या राय है आपकी, दोस्तों आप ज़रूर बताइएगा कि क्या हकीकत में ऐसा होना चाहिए, क्या 4G जो जिस चीज़ के लिए हम पैसे दे रहे हैं, क्योंकि आज इंटरनेट की स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप देखेंगे US UK बड़ी बड़ी जो भी कंट्रीज़ हैं, वहाँ की स्पीड आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी, बहुत ज़्यादा, जहाँ पर आज वो वीडियो जो कॉलिंग करती हैं वो बिल्कुल विदाउट बफरिंग, और वो भी HD क्वालिटी के अंदर मिलकर चलता है। लेकिन आज अगर हम कॉल करते तो बफरिंग मिलती है आज हमें भी 4G में भी, इवन ये हालत है। और आज आप देखें तो एक तरीके से 4G जो आज हम जब से जियो आया, या जब से जियो आने के बाद इन्होंने 4G स्पेक्ट्रम लेकर के आए, तो आज हर किसी के हाथ में, आज आप कहें तो बच्चे के हाथ में भी आज बात करें तो केवल 4G फोन ही है। लेकिन अब एयरटेल भारती ने अपने 5G का जो है वो लॉन्च कर दिया, क्योंकि उनके पास 4G स्पेक्ट्रम तो था नहीं, उन्होंने किसी और के साथ मिलकर के उन्होंने टाई अप किया। लेकिन अब 5G स्पेक्ट्रम को टेस्ट करके जियो को बीट करने के लिए उन्होंने अपना नेटवर्क लेकर के आ रहे हैं। अब वो नेटवर्क तो लेकर के आ रहे हैं, लेकिन आप क्या ये सोच रहे हैं, क्योंकि अब जो 4G फोन सबके हाथ में है, अब 4G फोन में 5G तो सपोर्ट आखिर कर नहीं सकता, यानी कि अब 5G नेटवर्क को लेने के लिए अब हमें नया फोन परचेज करना होगा। दैट्स द ओनली मार्केटिंग स्ट्रेटजी। आप केवल ये कह सकते हैं कि ये केवल मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, यानी कि कोई भी नेटवर्क पे, चाहे वो 3G हो, या चाहे वो 4G हो, या चाहे वो 5G हो, पूरी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। यानी कि अगर आप कहें कि अगर हम 4G नेटवर्क को ही अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं 4G नेटवर्क को ही अच्छी तरीके से पहले बना ले, उसी नेटवर्क को पहले स्ट्रॉन्ग कर ले, या उसी नेटवर्क को ही सबसे पहले लोगों को जो है आप अच्छी तरीके से नेटवर्क दे दें, ताकि थोड़े समय तक कुछ तो स्टेबलाइज हो, ताकि लोग जो यूज़ कर रहे हैं कुछ तो गैप हो, 1.5 साल 2 साल 3 साल कुछ तो गैप हो यार। मतलब कि बिल्कुल गैप नहीं है, मतलब केवल पैसे कमाने के लिए 5G नेटवर्क आया, तो अब न्यू फ़ोन परचेसिंग होंगे 5G नेटवर्क के लिए, और उसके लिए फिर अलग अलग सारी चीज़ें होंगी। तो मतलब ये केवल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। अगर आपको लगता है
लगता है कि अब 4G आप पैसे पे कर रहे हैं, आपकी स्पीड नहीं आती, मैं कहूँगा दोस्तों आप बिल्कुल कंप्लेंट कीजिए। आप जानते हैं कि TRAI जो सारी टेलीकॉम रेगुलेटरी को सबको संभालती है, आप कंप्लेंट भी वहाँ पर कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो आप लोग दोस्तों कंप्लेंट कीजिए, जागरूक होइए, अपने पैसे की वैल्यू को समझिए, क्योंकि वो आपका पैसा है, आपके पैसे को दे रहे हैं वो। क्योंकि दोस्तों जो आपको स्पीड के लिए आप जिस पैसे देने लग रहे हैं वो आपको स्पीड नहीं मिल रहा है, यानी कि स्पेक्ट्रम का घोटाला हो रहा है यहाँ पर, सीधी सी बात है। उन पैसों को बचा करके कंपनी रख रही है जो ब्लैक मनी के तौर पर होता है दोस्तों, इस बात को आप समझिए। तो दोस्तों बस उम्मीद करता हूँ कि जो भी है आने वाले समय में 5G नेटवर्क भी आने वाला है, बहुत जल्द हमारे इंडिया में आएगा। मैं कंट्री के बिल्कुल विरुद्ध नहीं हूँ तो इन कंपनियों के कि वो 5G नेटवर्क ना निकाले, लेकिन कम से कम जो भी वो देने लग रहे हैं वो जनता के हित में दे रहे हैं, लोगों के हित में दे रहे हैं, लेकिन कंप्लीटली उनको दें उस 4G नेटवर्क की है तो 4G नेटवर्क को पूरी तरीके से उसका स्पीड का फ़ायदा उठाने दें, वो जो आम लोगों को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है अभी भी। खैर ये तो बात दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अपनी राय दोस्तों ज़रूर बताइएगा कि आखिर 4G और ये सब चीज़ें जो हैं, क्या आपको ये आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वहीं पे दोस्तों आपके लिए मैंने आपको बताया था कुछ सरप्राइज़ है आपके लिए बिल्कुल, कि आपको क्या मिलने वाला है दोस्तों। एक गिवअवे है आपके छोटे भाई समझ के या बड़ा भाई समझ के, चाहे जो भी हो, आपके लिए एक छोटा सा गिवअवे। कुछ नहीं कर रहा यार आपको इसके लिए, हमारे इस वीडियो को नीचे जाएं, लाइक करें, एक कमेंट करना है आपको, सिंगल कमेंट करना है बस। और इंस्टाग्राम पर आपको नीचे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सारी चीज़ें, जाएं वहां पर आप इंस्टाग्राम पर आके आप फॉलो करें, और जो अब रिजल्ट है एक हफ्ते के बाद जाकर के आपको वहां पर मिल जाएगा। बाकी आपको मैं दिखा दूं, जिसका मैंने जो है इस हेडफोन का, यानी कि ये गेमिंग हेडफोन है जो न्यूवो कंपनी का है, यानी कि ये जापानीज कंपनी है, वैसे मेड इन चाइना है ये, लेकिन मैंने इसे मंगवाया था और ऑलमोस्ट मेरे पास 45 डेज के बाद जाकर के मेरे पास पहुंचा था इस प्रोडक्ट में, और काफ़ी अच्छा हेडफोन है ये। इसका मैंने रिव्यू भी करा हुआ है और मैंने अनबॉक्सिंग भी इसका कर दिया है, तो आप जाएं नीचे आकर के हमारे वीडियोस कंटेंट में आकर इसे देख सकते हैं अच्छी तरीके से। और बाकी ये दोस्तों आपके लिए है, आपका ही बिल्कुल इंतज़ार कर रहा है। और जो भी हमारे जो मैंने पिछला गिवअवे निकाला था और उनके पास बेसिकली बेसक जो है वो पहुंच चुका है, और ये भी आप लोगों के पास पहुंचने को बेकरार है। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको कुछ ना कुछ इससे पता लगा होगा कि आज 4G 5G नेटवर्क जो भी आज आ रहे हैं इसमें आपको कितना नुकसान है और कितना फ़ायदा है। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, सी यू, बाय बाय, आई विल कैच यू इन नेक्स्ट वन।